फर्स्ट कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको साइंस का चैप्टर नंबर सेकंड पढ़ाने के लिए जा रही हूँ। देखिए आपका चैप्टर नंबर सेकंड का नाम क्या है। प्लांट्स अराउंड अस। प्लांट्स के बारे में तो पता है ना, पेड़ पौधे, ठीक है। अराउंड आसपास हमारे, मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं हमारे आसपास, हम उनके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्लांट्स के बारे में। पता है ना प्लांट्स क्या होते हैं? आपके आसपास कितने सारे प्लांट्स हैं, है ना। आपके घर पे भी प्लांट्स होंगे। तो आज हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? प्लांट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ओके। प्लांट्स आर एवरीवेयर। प्लांट्स हर जगह होते हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइजेज। अलग अलग तरह के होते हैं। इनके साइज़ भी अलग होते हैं, शेप भी अलग होते हैं। आपने देखा है ना, कोई बड़ा प्लांट होता है, कोई छोटा प्लांट होता है ना। कोई किसी की लीव्स कैसी होती है, किसी की लीव्स अलग तरह की होती है। तो आपने देखा है ना, अलग अलग तरह के प्लांट्स होते हैं। दे मेक अवर वर्ल्ड कलरफुल। ये हमारी दुनिया को कैसे बनाते हैं? कलरफुल बनाते हैं। आपने देखा है ना, जब प्लांट्स लगे हों बहुत सारे तो वो ग्रीन कलर के होते हैं, एकदम हरा भरा लगता है। और देखो अगर इसमें फ्लावर्स हैं तो अलग अलग तरह के फ्लावर्स आते हैं, तो एकदम बहुत क्या लगता है, ब्यूटीफुल लगता है, बहुत खूबसूरत नज़र आता है ना। तो ये हमारे दुनिया को कैसा बनाते हैं? रंगीन बनाते हैं, है ना। वी कैन सी प्लांट्स एट डिफरेंट प्लेसेस। हम अलग अलग जगह पर देखते हैं ना प्लांट्स को, है ना। जैसे कि सम ग्रो ऑन लैंड, कुछ लैंड पर ज़मीन पर उगते हैं। सम ग्रो इन वाटर, कुछ वाटर में। सम ग्रो ऑन माउंटेन्स, कुछ पहाड़ों पर। सम ग्रो इन डेजर्ट, कुछ कहाँ, रेगिस्तान में। वाइल सम प्लांट्स वी ग्रो इन अ गार्डन और इनसाइड अवर होम। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो हम अपने गार्डन में लगाते हैं या घर पे भी लगाते हैं। आपके घर पे कौन से प्लांट्स हैं? आप देखो, आपके घर में अगर रोज़ प्लांट है या छोटा छोटे मोटे और भी प्लांट्स लगे होंगे पॉट में, है ना। तो कितने सारे प्लांट्स होते हैं जो हम घर में लगाते हैं? तो अलग अलग तरह के प्लांट्स होते हैं जो हमें नज़र आते हैं, ठीक है। अब देखिए टाइप्स ऑफ प्लांट। सम प्लांट्स आर बिग एंड स्ट्रॉन्ग, वाइल सम प्लांट आर स्मॉल एंड वीक। देखिए आपने देखा होगा, कुछ तो बड़े बड़े प्लांट होते हैं, बहुत होते हैं ना बड़े बड़े, और कुछ कैसे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं और वीक होते हैं, है ना। उनको आप छूओगे तो वो टूट जाएंगे, उनको आप ऐसे हिलाओगे डुलाओगे तो वो टूट जाएंगे। लेकिन जो बड़े बड़े बिग ट्रीज होते हैं, क्या आप उनको हिलाने से तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते ना। तो कुछ कैसे होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, और कुछ कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। कुछ वीक होते हैं, कुछ स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। बिग प्लांट्स क्या होते हैं? देखिए बिग टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड द ट्रीज। जैसे मैंगो ट्री है, मैंगो ट्री आपने देखा है, नीम ट्री है, बनियान ट्री है। तो ये ट्रीज़ कैसे होते हैं? बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत टॉल होते हैं, लंबे होते हैं और स्ट्रांग होते हैं, है ना। दे हैव अ थिक ब्राउन वुडी स्टेम कॉल्ड द ट्रंक। इनकी जो ये जो होती है ना ट्रंक, इसको हम क्या कहते हैं? ट्रंक कहते हैं। इनकी जो स्टेम होती है इसको क्या कहते हैं? जो इनका तना होता है बहुत मजबूत होता है, ब्राउन कलर का होता है, मोटा होता है, ये कैसे क्या कहलाता है? हमारा ट्रंक कहलाता है, ठीक है। दे लिव फॉर मैनी ईयर्स, ये बहुत सालों तक जिंदा रहते हैं, बहुत सालों तक ये जीते हैं, है ना। देखा होगा आपने नीम, जो किसी के घर में अगर नीम है या आसपास गली में आपने देखा होगा किसी घर में नीम लगा हुआ है, तो बहुत लंबे टाइम तक चलता रहता है ना। ऐसा तो नहीं है कि वो छूने से गिर जाएगा या टूट जाएगा, ऐसा नहीं है ना, वो लंबे टाइम तक रहता है, ठीक है। नेक्स्ट स्मॉल प्लांट्स। सम बट स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड द श्रब्स, दे लिव फॉर अ फ्यू ईयर। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो क्या होते हैं, स्मॉल तो होते हैं लेकिन क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। वो कौन से होते हैं? उन्हें हम क्या कहते हैं? श्रब्स कहते हैं। जैसे कि रोज़ है और हिबिस्कस है, है ना, सनफ्लावर है। आपने रोज़ देखा होगा, हिबिस्कस देखा होगा, सनफ्लावर पता नहीं देखा होगा नहीं देखा होगा, लेकिन हाँ रोज़ ज़रूर देखा होगा। रोज़ प्लांट देखा है ना आपने, ये स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। और क्या इसको हम क्या कहते हैं? श्रब्स कहते हैं, है ना। ऐसे जो कि छोटे होते हैं लेकिन स्ट्रांग होते हैं और कुछ सालों तक ये ज़िंदा रह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, स्मॉल एंड वीक प्लांट्स आर कॉल्ड द हब। जो बहुत छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं और जो बहुत कमज़ोर होते हैं, जिनकी टहनियाँ बहुत कमज़ोर होती हैं और हम उसको ईजिली अपने हाथों से तोड़ सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हमारे हर्ब्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हर्ब्स, ओके। दे हैव अ सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम। उनकी जो स्टेम होती है कैसी होती है? सॉफ्ट होती है और ग्रीन होती है। दे लिव फॉर अ फ्यू मंथ्स ओनली, ये कुछ ही महीने के रह पाते हैं, ज़िंदा रह पाते हैं, मतलब फिर ये मुरझा जाते हैं, ठीक है। जैसे तुलसी है, कोरिएंडर है और मिंट है, ये बहुत नाजुक प्लांट्स होते हैं, ठीक है। आप इजीली इनको तोड़ सकते हैं और ये बहुत जल्दी भी ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। प्लांट डेट नीड सपोर्ट टू स्टैंड। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको किसकी ज़रूरत होती है? हमारे सपोर्ट की ज़रूरत होती है ना। द स्टेम ऑफ सम प्लांट्स आर सो वीक डैट दे कैन नॉट स्टेम स्टेट, सो क्लाइंबर नीड अ स्टिक वॉल और अनदर प्लांट इज सपोज टू स्टैंड, दे आर कॉल्ड द ट्विनर्स। कुछ क्लाइंबर्स होते हैं हमारे, जो किस उनको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? लकड़ी की। हम उस पर लकड़ी लगाते हैं ताकि वो क्या कर पाएँ, खड़े हो पाएँ। उसमें हम रस्सी से क्या बांध देते हैं, हमें कोई वुडी चीज़ बांधनी पड़ती है जिससे क्या होता है, वो स्टिक बांधनी पड़ती है जिससे वो क्या हो सके,
बढ़ सकें, ठीक है। दे ऑल्सो कॉल्ड ट्विनर्स, इनको हम ट्विनर्स भी कहते हैं। जैसे कि आप देखिए, पी प्लांट है, मनी प्लांट है ना, ये है आपका ग्रेफाइन है। तो इसको की ज़रूरत क्या होती है, एक लकड़ी की ज़रूरत होती है। ये बेल की तरह होते हैं, बेल होती है ना, देखा होगा आपने, बेलों पर बांध देते हैं रस्सी से, बेल फिर उसके सहारे आगे बढ़ती रहती है ना। क्रीपर ग्रो अलॉन्ग द ग्राउंड, ये देखा है आपने, ये देखिए ये भी बेल है हमारी पम्पकिन की, वाटरमेलन की, आपने देखी कैसे होती है क्रीपर ग्रो, ये क्या होती है, ज़मीन पे ही होती है, आपने ज़मीन पे ही देखा होगा। पम्पकिन की जो वो होती है, बेल होती है, पम्पकिन मतलब काशीफल जो होता है ना, उसकी जो बेल होती है वो क्या होती है, ज़मीन पे ही फैलनी शुरू हो जाती है ना। और वाटरमेलन, तरबूज, उसकी भी ऐसी होती है। स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो मतलब शकरकंदी, तो उसकी भी ऐसी होती है जो कि ज़मीन पर फैलती है, ठीक है। ये आपके प्लांट्स थे। अब आप इधर देखिए, पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, अ प्लांट इज डिफरेंट पार्ट, इनके अलग अलग पार्ट होते हैं। देखिए, रूट होता है, स्टेम होता है, ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स, ठीक है। क्या क्या है, ध्यान से देखिए। देखिए, आपने देखा होगा फ्लावर, तो आप जानते हैं प्लांट के अंदर क्या होता है, ठीक है। फ्रूट भी आपको पता ही है। स्टेम क्या होती है, ये चीज़ हमारी क्या होती है, स्टेम होती है, ठीक है। और जो ज़मीन के अंदर होती है जड़ें, उसे हम क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, तने को, स्टेम, ठीक है। और ये क्या हमारी पत्तियों को क्या कहते हैं, लीफ। और जो छोटी छोटी कलियां हो जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बड। और जो ये जो होती है शाखाएं इसकी, इसको क्या कहते हैं, हम ब्रांच, क्या कहते हैं, ब्रांच। तो आपको सारे पार्ट समझ में आ गए, लीफ, बड, ब्रांच, फ्लावर, फ्रूट, स्टेम एंड रूट, ठीक है। हाउ टू प्लांट्स ग्रो, ये ग्रो कैसे करते हैं। मोस्ट प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड, ज़्यादातर जो प्लांट होते हैं वो किससे बढ़ते हैं, बीज डाल देते हैं और वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अ सीड हैज़ अ बेबी प्लांट इनसाइड इट टू ग्रो, इट नीड्स एयर, उसके अंदर क्या होता है, एक बेबी प्लांट होता है और उसको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एयर की ज़रूरत होती है, वाटर की, सॉइल की और सनलाइट की। देन द सीड बर्स्ट, और जब जो वो होता है बीज होता है वो क्या होता है, फट जाता है। एंड द बेबी प्लांट कम आउट, और जो बेबी प्लांट होता है वो बाहर आ जाता है और धीरे धीरे वो एक बड़ा ट्री बन जाता है, एक बिग प्लांट बन जाता है, ठीक है। इस तरह से देखिए आप, ये इस तरह से फिर पेड़ बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। या आपको ये चीज़ क्या कहलाएगी, आपकी सीड जर्मिनेशन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, सीड जर्मिनेशन, ओके। आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ये देखिए आपके एक्सरसाइज है, मैं आपके एक्सरसाइज कर दूँगी और उसके बाद आप इसको कॉपी पर नोट करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।